आए अब एक एक करके सड़क इस्तेमाल करने वालों की किस्मों पर नजर डालते हैं आए पहले गाड़ी चलाने वालों की खसूसियात समझते हैं शख्सी खसूसियात सड़क पर हमारी कारकरी को मुतासर करती हैं ड्राइविंग में शख्सियत के किरदार को समझना न सिर्फ मुल्क भर में ट्रैफिक सेफ्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को बढ़ाने में मदद देता है बल्कि ये एक फर्द को इन रवैयों को अपनाने या जहां जरूरत हो वहां बदलने का मौका भी फराहम करता है ये आम तौर पर काबिल कबूल है कि ड्राइविंग के रवैये ड्राइवर्स में उम्र जिन्स नस्ल ड्राइविंग के तजरबे जज्बा और दीगर के मुताबिक बदलते रहते हैं एक ही ड्राइवर के लिए भी ड्राइविंग के रवैये मुख्त्य सूरत हालों में बदल सकते हैं जिनकी वजह ड्राइवर के रवैयों की खसूसियात हो सकती हैं अच्छे ड्राइवर्स की खसूसियात अच्छे ड्राइवर्स की खसूसियात यह हैं सबर गौर विकर दिफाई ड्राइविंग आए एक एक करके इन खसूसियात पर नजर डालते हैं सबर सबर सबसे अहम खसूसियात में से एक है जो एक गाड़ी चलाने वाले और दीकर सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए ज़रूरी है। हैवी ट्रैफिक सड़क पर तामीरती काम मुतबाद रास्ता पार्किंग और दूसरे ड्राइवर्स के अमल दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के सबर का इम्तहान लेंगे बेसब्री जारहानापन गलत फैसले करना और बिलाखिर हादसे का सबब बन सकती है ड्राइविंग में सब्र एक खूबी है और रोड पर हादसा से बचाती है गौरव फिक्र करना एक गौरव फिकर करने वाला शख्स वो है जो इस बात का ख्याल रखता है कि दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों को नुकसान या तकलीफ ना पहुंचे गौरव फिक्र करने वाले लोग ड्राइविंग के अच्छे आदाब का मुजाहरा करते हैं वो दूसरी गाड़ियों को अपनी लेन में दाखिल होने देते हैं हद रफ्तार की पाबंदी करते हैं पेडेस्ट्रियंस को तरजीह देते हैं और कोई अमल करने से पहले इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो वो नहीं करते वो भी उतना ही अहम है वो बिला जरूरत हॉर्न नहीं बजाते वो टेल गेट यानी कम फासला रखकर ड्राइविंग नहीं करते वो डबल पार्किंग नहीं करते अगर आप इन सब पर अमल करते हैं तो आप भी एक गौरव फिक्र करने वाले ड्राइवर हैं इसको जारी रखें दिफाई ड्राइविंग एक बैन अवी स्टडी के मुताबिक तकरीबन छियानवे फीसद सड़क पर हादसा इंसानी गलती की वजह से होते हैं और बाकी चार फीसद दीगर वजूहत से अच्छे जिम्मेदार और दिफाई ड्राइवर्स बनकर हम सड़क पर ट्रैफिक हादसा की शरह में नुमाया कमी ला सकते हैं दिफाई ड्राइविंग एक हमत अमली है जो ड्राइवर्स को बुनियादी तौर पर दूसरों की वजह से होने वाली मुमकिना टक्कर से बचने में मदद देती है इसका मतलब है कि ड्राइवर्स को दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों की हरकतों से होशियार रहना चाहिए और हादसा से बचने के लिए उनकी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार रहना चाहिए दिफाई ड्राइविंग के अहम अवामिल ये हैं तवज्जो जायजा पेशबंदी तवज्जो दिफाई ड्राइविंग में तवज्जो का एक अहम किरदार है सड़क पर मौसर तरीके से जायजा लेने पेशबंदी करने और रता करने के लिए हर वक्त तवज्जो बरकरार रखनी चाहिए तवज्जो बरकरार रखने का बेहतरीन तरीका है कि अपनी आंखों को हिलाते रहें और एक ही जगह देखते रहने से गुरेज करें मजीद यह कि सड़क पर तवज्जो बेहतर बनाने और महफूज रहने के लिए ड्राइवर्स ये तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा अपने सफर की बंदी करें मोबाइल फोन दूर रखें होशियार रहने और तवज्जो मरकूज रखने के लिए कैफीन ड्रिंक्स इस्तेमाल करें बाकायदगी से वक्फे और नींद लें मल्टी टास्किंग से गुरेज करें याद रखें कमेंट्री ड्राइविंग या टॉक थ्रू तवज्जो को बढ़ाने के लिए मददगार है जायजा जायजा लेना दिफाई ड्राइविंग की एक बुनियादी महारत है जायजा लेने की सलाहियत प्रैक्टिस तवज्जो और ख्याल मांगती है अच्छा जायजा लेना महफूज तरीके से ड्राइव करने में मदद करता है क्योंकि यह खतरा को पहचानने का जरिया है ड्राइवर्स इन तरीकों की मदद से अपने जायजे को बेहतर बना सकते हैं ज्यादा आगे तक देखें और सड़क का सही तरह मुआयना करें आंखों को हिलाते रहें सुर्ते हाल की मुफसल तस्वीर हासिल करें बचने का रास्ता रखें देखें और दूसरों को दिखाई दें पेशबंदी पेशबंदी करना बुनियादी तौर पर सड़क पर मुमकिन खतरा के पेश आने से पहले उनका पता चला लेना और उनकी तवक्को करना होता है यह ड्राइवर्स को तैयार रहने और महफूज रहने के काबिल बनाता है पेशबंदी की सलाहियत को मुआयना करने से सहूलत मिलती है पेशबंदी की बेहतर महारत हासिल करने के लिए ड्राइवर्स के पास ये होना चाहिए सड़क पर खतरा से मुतल इल्म और आगाही मंजर के बारे में मालूम सामने आने वाले और मख्फी खतरा की पेशन गोई करने की सलाहियत तजर्बा और या निशानियों को इस्तेमाल करने की सलाहियत तस्लीम शुदा खतरात की वजह से मुमकिन तनाज़ को कम से कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए ड्राइविंग के रद्द अमल देना एक और अहम दिफाई ड्राइविंग की हमत अमली है दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों से रबा रखना सड़क एक मुश्तरका इस्तेमाल की जगह है इसीलिए दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों से मुस्बत अंदाज में निमटने और महफूज ड्राइविंग करने के लिए मौसर रबता एक अहम किरदार अदा करता है ड्राइवर्स दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों से इंडिकेटर्स हैज़र्ड लाइट्स ब्रेक लाइट्स हेड लाइट्स और हॉर्न इस्तेमाल करके रा कर सकते हैं मजीद ये कि आंखें मिलाना और दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के तर्ज अमल का जायजा लेना भी सूरत हाल के मुताबिक मौजूम फैसले करने में मददगार होता है दिफाई ड्राइविंग के फ़ायद दिफाई तरीके से ड्राइविंग करना न सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पर बैठे ड्राइवर को बेहतर तैयार करता है बल्कि उन्हें मजीद कई फवायद हासिल करने में मदद देता है ये फवायद मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर आम तौर पर इनमें शामिल हैं बेहतरीन ड्राइविंग की महारत कम फ्यूल खर्च करने वाली यानी फ्यूल एफिशेंट ड्राइविंग सड़क के काबिल गाड़ी परेशानी से पाक ड्राइविंग ब्लैक पॉइंट्स और ट्रैफिक जुर्मानों से बचाओ और बहुत कुछ नए ड्राइवर्स महफूज ड्राइविंग के बारे में अपने लाइसेंस हासिल करने के प्रोग्राम के दौरान सीखते हैं लेकिन दिफ़ाई ड्राइविंग करने के लिए यह तजवीज करता है कि कोई नामवर दिफाई ड्राइविंग कोर्स किया जाए ये लाइसेंस हासिल करने के बाद का कोर्स है जो दिफाई ड्राइविंग के अमल को बेहतर समझने में मदद देता है फाई ड्राइविंग का एक पहलू यह है कि गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन रखा जाए क्योंकि एक सर्विस या मेंटेन ना की हुई गाड़ी मुमकिन तौर पर एक खतरनाक गाड़ी है इल्म जो लोग सीधी तरफ यानी गैस पेडल से आगाज करते हैं ज़्यादा कामयाब ड्राइविंग करियर शुरू करते हैं कंज्यूमर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बड़ों के लिए फॉलो अप तली महारतों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है फैसला आ चुका इल्म के लिए जितनी आपकी प्यास है उतना ही आप खुद को सड़क के तौर तरीकों के बारे में तालीम देने के काबिल होंगे और उतना ही आपके हादसा में मुलविस होने के कम इम्कान होंगे याद रखें एक अच्छा ड्राइवर वो है जो ड्राइविंग के दौरान अपने आमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता या लेती है जाहिर है सबसे कोई ना कोई गलती हो जाती है लेकिन जो अपनी गलती मानता नहीं है वो बहुत से मसाइल का सामना कर सकता है बुरे ड्राइवर्स की खसूसियात ये हैं मुकाबला करना बहुत ज्यादा रद्द अमल देना जा खतरा मोल लेना आए अब एक एक करके इन खसूसियात पर नजर डालते हैं मुकाबला करना मुकाबले का रुझान काम के माहौल और दीगर सरगर्मियों में काफी फायदा मंद हो सकता है लेकिन जब ड्राइविंग की बात हो तो यह मसाइल पैदा कर सकता है जो ड्राइविंग में मुकाबला करना लेकर आते हैं वो जारहाना ड्राइविंग या ट्रैफिक हादसा की वजह बनते हैं ज्यादा रद्द अमल देना ये देखा गया है कि अच्छे ड्राइवर्स बुरे बन जाते हैं जब उनको खराब रवैये वाले ड्राइवर्स का सामना हो इस बात का एहसास करते हुए आप यह यकीनी बनाते हैं कि आप दूसरों की हरकत को अपने जज्बात और सड़क पर कारकरी को मुतासर नहीं करने देंगे जारहाना जारहाना शख्सियत रखने वाले अमूमन जारहाना ड्राइविंग करते हैं जारिहाना ड्राइविंग बहुत जल्दी सड़क पर गुस्से में बदल सकती है इस मुमकिना रवैये को खत्म करने के लिए लेन ब्लॉक करने टेल गेटिंग करने बगैर सिग्नल के लेन बदलने और गैर महजब इशारे करने जैसे आमाल से गुरेज करें खतरा मोल लेना गाड़ी चलाते हुए हर वक्त खतरा मौजूद होते हैं खतरात मुनहसर हो सकते हैं ड्राइवर के तजर्बे गाड़ी की हालत या मौसम पर स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के खतरात चाहे बड़े या छोटे उनको अपनी सलाहियतों और महारत के मुताबिक हैंडल करते हैं खतरात को कम से कम करके आप अपने और दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए हिफाजत का दर्जा बेहतर बना सकते हैं लेकिन उसी वक्त आपका ड्राइविंग का रवैया खतरे को बढ़ा भी सकता है खतरनाक ड्राइविंग रवैयों की कुछ मिसालें हैं अल्कोहल के ज़ेर असर ड्राइविंग करना ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना हेडलाइट्स को सही तरह इस्तेमाल न करना सूरत हाल के बरक्स बहुत तेज़ ड्राइविंग करना टेल गेटिंग गैर महफूज तरीके से पास करना या बार बार लेन बदलना याद रखें ड्राइविंग के तजर्बे की कमी अक्सर लापरवाह रवैये में इजाफा करता है